एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और राहु केतु के राशि परिवर्तन की। देखिए, राहु केतु का राशि परिवर्तन ऑलरेडी हो चुका है और राहु मेष में से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और केतु जो है वो तुला राशि में से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 30 अक्टूबर 2023 से ट्रांजिट हुआ है, 18 महीने का ट्रांजिट है ये, वो 18 मई 2025 तक रहेगा ये ट्रांजिट। यहाँ पर वृषभ लग्न की हम बात कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होंगे और कैसे ये ट्रांजिट आपके जीवन में असर करेगा। देखिए, ये राहु का जो ट्रांजिट है वो आपके 12वें घर में से निकलकर वो आपके 11वें स्थान पर आया है और केतु आपके 6ठे घर में से निकलकर आपके पंचम भाव में आया है। तो इस प्रकार के ट्रांजिट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं राहु से। देखिए, राहु आपके 11th हाउस में आया और 11वें स्थान में राहु का आना ये सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत ही सक्षम है, यानी कि ये बहुत एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को। उसके सपने काफ़ी बड़े होते हैं, उसके एम्बिशंस काफ़ी हाई लेवल पर वो सेट करता है। जो लोग इवन जो बहुत बड़े स्तर पर नहीं भी हैं मगर वो उनको उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए रास्ता दिखाएगा। दूसरी चीज़, इस राहु से आपको बहुत बड़े बड़े लोगों से आपके कॉन्टैक्ट्स ये बनवाएगा। आपको उच्च स्तर तक पहुँचाने के लिए किस मार्ग से होकर जाना, क्योंकि राहु एक बुद्धिमान प्लेनेट है और लाभ के स्थान पर ये बहुत अच्छा काम करता है। यानी 11th हाउस में राहु सबसे बेस्ट माना गया है, जहाँ पर आपके सभी चीज़ों में सभी इच्छाओं की ये पूर्ति करता है। इच्छा नहीं भी है तो इच्छा को जागृत करता है, यानी कि आप जो कहीं पर जो आपने प्लान भी नहीं किया कि पता नहीं क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो राहु आपको पहले तो वो बुद्धि प्रदान करेगा कि आपको किस लाइन में जाना, कैसे आगे बढ़ना, उसका मार्ग कैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ राहु के द्वारा आपको प्रदान होगा और मुझे लगता है राहु आपके लिए बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स भी बनाएगा, रास्ते बनाएगा। अगर आप बहुत समय से सोच रहे हैं कि आप जॉब से बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं या बिजनेस करके और भी कुछ नया डेवलपमेंट, नई चीज़ों का करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ट्रैवल करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ राहु के द्वारा सक्षम आपको बनाएगा। अब ये राहु की एक दृष्टि पड़ती है आपके तृतीय घर पर, तो तृतीय घर जो है वो आपके पराक्रम का है। तो जब पराक्रम के अंदर राहु की दृष्टि पड़ेगी ये बहुत बेहतर है, आपको फॉरेन लैंड्स की तरफ ट्रैवल करवाएगा। दूसरी चीज़, आपको मार्केटिंग में, सेल्स में बहुत एफिशिएंसी देता है, आपकी स्किल बहुत बढ़ती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत बढ़ाएगा। आप अपने समय का बेस्ट यूज़ करेंगे। आप कैसे, पराक्रम भी ऐसा जो बहुत ही बुद्धि से किया गया हो, क्योंकि राहु एक बुद्धिमान प्लैनेट है, वो कहीं पर भी बिना प्लानिंग के काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे ट्रैवलिंग की तरफ लेकर जाएगा, काफ़ी बेहतर पराक्रम करवाएगा। यहाँ भाई बहनों के साथ संबंधों में मुझे लगता है मन मुटाव हो सकता है, तो भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप मत करिएगा। ये चीज़ ज़रूर है कि राहु की दृष्टि की वजह से आप टेक्निकल चीज़ों में काफ़ी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे, आप टेक्निकल चीज़ों का, एप्लीकेशंस का बेहतर यूज़ कर पाएंगे, तो ये डेफिनेटली आपको मदद करेंगे। मगर आप इनिशिएटिव लेना कैसे है, वो आपके अंदर एक सक्षम एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो आपका इस राहु के द्वारा प्रदान होगा। तृतीय भाव पर दृष्टि से आपके पराक्रम में बहुत वृद्धि है। ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में ध्यान रखिएगा, वहाँ पर किसी भी प्रकार का मतभेद है या कोई भी प्रकार का क्लैश है तो उससे आपको दूर रहना है। अब बात करते हैं राहु की एक दृष्टि जो आपके पंचम भाव पर पड़ती है। तो 5वें घर के ऊपर जब राहु की दृष्टि पड़ती है तो डेफिनेटली शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते समय बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े सपने दिखाकर कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी कर देता है, तो शेयर मार्केट में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि यहाँ भटकाव से आपको डेफिनेटली बचना है। दूसरी चीज़, केतु भी यहाँ पर स्थित है जिसकी मैं अभी बात करती हूँ,
मगर राहु की ये दृष्टि संबंध की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई भी प्रकार का जो भी चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि उनके संतान प्राप्ति की कोई इच्छा है, तो उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य में संबंधित समस्याएं भी देता है। और जब भी कहते हैं ना कि चाइल्ड बर्थ की बात की जाए, तो ये नॉर्मल नहीं होने देता, कभी कभी हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होता है, और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे लगता है ट्रैवलिंग को बहुत अवॉइड कीजिएगा इस समय के अंदर, अगर आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं या इस प्रकार की कोई अवस्था है तो। अब राहु की दृष्टि की वजह से कहूँगी कि शेयर मार्केट में जो भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ कैलकुलेटिव अप्रोच ही सही रहेगा। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि बहुत बड़े रिस्क उठाना, लोन लेकर रिस्क उठाना, या किसी के कहने पर रिस्क उठाना, तो इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको कम्प्लीटली दूर रहना है। राहु की एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ती है। ये एक ऐसी दृष्टि है जो गृहस्थ जीवन के अंदर मुझे लगता है कि कभी कभी मन मुटाव क्रिएट करती है, और संबंधों में किसी भी प्रकार की एक अविश्वास की परिस्थिति कभी कभी क्रिएट होती है, और एक दूसरे पर एक कहते हैं ना कि व्यक्ति डाउट करता है, तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट होती है। यहाँ मुझे लगता है कि पार्टनरशिप को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए, यानी कि जो भी लोग ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, उनको भी ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप सही तरीके से चले, और जिन लोगों ने पार्टनरशिप नहीं की है और अब नई पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है पार्टनरशिप बिजनेस से अभी कम्प्लीटली दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये राहु की वजह से मुझे लगता है कि पार्टनरशिप में बहुत बड़े लाभ नहीं होंगे, और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन से आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि बने वहां तक पार्टनरशिप को दूर रखिएगा। राहु की दृष्टि की वजह से आपको लगेगा कि आपकी शादी तय हो जाएगी, मगर मुझे लगता है कि ये जो भी लोग अनमैरिड है उनकी शादी के अंदर ये बाधा डालता है, यानी कि मैरिज फाइनल होते होते रह जाती है, तो किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर विश्वास करके आप लंबे समय तक बैठे रहें, ऐसा होता है कि आपको लगेगा हाँ आएगा, और काफ़ी समय तक व्यक्ति इंतज़ार करता है, 6-6 महीने बैठे रहते हैं, और फिर वो ना हो जाती है। तो यहाँ राहु के कारण डिलेज होंगे मैरिज में, फाइनलाइज होने पर भी रिश्तेदारों के बीच में कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो अगर ऐसी कोई भी अवस्था है तो बहुत शांति से परिस्थितियों को डील करना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है कि जब भी ऐसी अवस्था में, जब भी राहु का दृष्टि संबंध होता है, तो शादी में बाधा डालता है, और ये जनरली कोई भी रीत रिवाज को ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मतलब रीत रिवाज के बाहर जाकर जब भी कोई शादी की जाती है, लव मैरिज की तरफ, कम्युनिटी से बाहर शादी करने की इच्छा रखना, ये सब राहु के साइड पे है। और मुझे लगता है कि अगर कहीं पर भी इवन तुम्हारी लव मैरिज की भी इच्छा है, तो उसको भी ये डिले करेगा, वहाँ पर भी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, मन मुटाव क्रिएट करेगा। तो मुझे लगता है गृहस्थ जीवन ऑलरेडी जिसका है, उसको भी बहुत शांति से चीज़ों को डील करना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ पर रिलेशनशिप के अंदर काफ़ी ईगो क्लैश देता है, काफ़ी सस्पेक्टिव नेचर बनाता है, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ेगा। बाकी बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए बिजनेस डील्स काफ़ी अच्छी रहेगी, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे और काम बहुत अच्छा चलेगा, मगर कहाँ संबंधों में ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दिया है। केतु की बात करते हैं, तो केतु पंचम भाव के अंदर है, और पांचवें घर के अंदर केतु हमेशा मैंने देखा है कि लव रिलेशनशिप को ब्रेक करवाता है, ये काफ़ी लंबे समय का जो कहते हैं ना कि प्रेम संबंध होता है, तो वहाँ पर ये ब्रेकअप करवाता है। तो कहीं पर भी क्लैश होता है, कहीं पर भी झगड़ा होता है, अगर लव रिलेशनशिप बहुत लंबे समय का है, तो उसको समय दीजिएगा, मगर बहुत जल्दबाजी में एकदम से आप उसको छोड़ दें या ऐसी प्रवृत्ति मत करिएगा, क्योंकि एक ऐसा ट्रांजिट है जो काफ़ी कहते हैं ना कि लव रिलेशनशिप के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करता है। यहाँ पे राहु का भी दृष्टि संबंध है, तो एक दूसरे के बीच में अविश्वास क्रिएट करता है ये। यहाँ संबंध में थर्ड पर्सन की वजह से झगड़े होते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियाँ करने में सक्षम है।
केतु इवन स्टूडेंट्स की बात कीजिए, पांचवा घर स्टूडेंट्स का भी होता है, तो स्टूडेंट्स को सही कोर्स में होते हुए भी उसे लगेगा ये छोड़कर मैं कुछ और कर लूँ। मुझे जैसे प्रॉपरली कोई आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको लगेगा वो छोड़कर मैं कुछ और ट्राई करता हूँ, डिज़ाइनिंग में जाना चाहता हूँ। इस प्रकार के डिसीजंस मुझे लगता है नहीं लेने चाहिए। ये टोटली केतु के द्वारा आपको गलत डायरेक्शन दिया जाएगा। तो मुझे लगता है आपको जो भी स्टूडेंट्स हैं अगर कोई कोर्स सिलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो 2 से 3 दिन की एडवाइस लेकर कीजिए, क्योंकि केतु आपको सही डायरेक्शन नहीं देगा। तो आप अपने खुद से कोई भी मार्ग को सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है वो गलत होगा। आप अपने गुरु से या आपके माता-पिता से या कोई भी ऐसा एजुकेशन के अंदर जो मास्टर है उसकी एडवाइस लेकर कार्य करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है और मुझे इसी के अंदर कार्य करना है, ऑलरेडी बहुत सही डायरेक्शन प्राप्त है और आप सोचते हैं कुछ नया करने की आपकी इच्छा है, तो ये एजुकेशन के अंदर मुझे लगता है आपका बहुत समय बिगाड़ देगा। यानी कि 1.5 साल का राहु है और इस प्रकार के निर्णय में मुझे लगता है करियर ओरिएंटेड कोई भी रिस्की डिसीजंस आपको बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं या कहीं पर भी, मुझे लगता है कि आप पढ़ने के लिए आप जा सकते हैं मगर किसी भी चीज़ को बीच में से मत छोड़िएगा। अगर आप कोई भी एजुकेशन को बीच में से छोड़ते हैं तो वहाँ डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। करियर में भटकाव दे देता है ये, प्रेम में भी भटकाव देता है, शेयर मार्केट के अंदर बहुत बड़े सपने दिखाकर ये फिर 0 पे लाकर खड़ा कर देता है। तो मुझे लगता है कि जो भी शेयर मार्केट के अंदर हैं उनको आप कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ चलेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, मगर आप सोचते हैं कि आप एक दिन में सोचेंगे कि मैं बहुत बड़े लेवल पर पहुंच जाऊं या बहुत बड़ा रिस्क उठा लूं, लाखों में आप रिस्क उठा लें, तो वहां आपको ये बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। तो ऐसे कहते हैं ना कि ब्लाइंडली कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बहुत सोच समझ के छोटे छोटे स्लैब्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कहीं नुकसान नहीं आएगा, मगर यहाँ पर कोई भी प्रकार की गलती करते हैं तो फाइनेंशियल नुकसान आपको डेफिनेटली देगा, क्योंकि ये बड़े सपने दिखाता है। तो इस प्रकार की परिस्थितियां हैं। बाकी अगर राहु की पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ेंगे, अपने सपनों की पूर्ति करने के लिए राहु आ रहा है, तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए। मगर कहाँ आपको ध्यान रखना है ये मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।